खबर। भंडारा जिले में अवैध रेत तस्करी अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ रेत माफिया अवैध रेत चोरी से लाखों रुपए के मालिक बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध रेत तस्करी आम आदमी के लिए जानलेवा बनती जा रही है। भंडारा जिले के पौनी तहसील से पुलिस और तहसील प्रशासन की लापरवाही से रेत तस्करी बढ़ने लगी है। आए दिन रोड एक्सीडेंट में लोगों की जाने जा रही है। सोमवार को सुबह हुए एक्सीडेंट में दो लोगों की जान चली गई। वहीं शाम को पौनी तेज गति से अवैध रेत ले जा रहे थे। टिप्पर के रास्ते के बाजू में स्थित स्वाति बार में जा घुस गई, जिसमें सदादेव देशमुख नामक मोटर मैकेनिक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ये खास बात यह है कि जैसे ही अवैध रेत तस्करी करते हैं, वह सारी पुलिस और महसूल प्रशासन पर दबाव डालकर प्रकरण रफा दफा करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पौनी तहसील में बढ़ती रेत तस्करी के खबर एमएनएस न्यूज दिखाकर सच सामने लाया गया, पर प्रशासन अब तक कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवाल की खास खबर। काही नाही, जे दिसायचे ते दिसणार। उद्धू सेठ कोणता होता? माहित नाही। बोल दे दोन। हां बोल गया बाजूला भाऊ एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।